अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को कॉटन की कुर्ती कटिंग करके बताऊंगी। देखिए इस तरह, ये इस कॉटी का, ये इस कपड़े का कैटलॉग है। जिस तरह इसमें डिज़ाइन दिया हुआ है उसी तरह हम कट करेंगे। देखिए मैं इसे ओपन करके बता रही हूँ। देखिए इसके गले का डिज़ाइन बीच सेंटर में दिया हुआ है, और जब हम इसे पूरा ओपन कर देंगे तब आपको समझ में आएगा कि किस तरफ क्या है। देखिए इसके आस्तीन बीच सेंटर में दिए हुए हैं, नीचे भी जो बॉर्डर है, और ये ऊपर थोड़ा सा बॉर्डर है, यानी कि ये हमें आस्तीन बीच में दिए हुए हैं, और यहाँ पर ये बैक साइड का हिस्सा है। तो सबसे पहले हम फ्रंट साइड का हिस्सा कट करेंगे, यानी कि जो हमने ये बीच में जो डिज़ाइन देखा हुआ है इसे बीच सेंटर में पकड़ते हुए हम इसे घड़ी करेंगे। इस कपड़े को बीच सेंटर में, यानी कि ये गले के डिज़ाइन को हम बीच में पकड़ते हुए इसे घड़ी करेंगे, लेकिन हम उल्टे पे डायग्राम डालेंगे, सीधे पे नहीं। देखिए नेक का डिज़ाइन बीच में देखते हुए, ध्यान देते हुए हमने इस कपड़े को बिछा लिया है। अब हम यहाँ से पहले इसे अलग कर लेंगे, कट कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट का हिस्सा हो चुका है। अब इसे इस तरह पलटी करने पर देखिए ये आस्तीन का ये और नीचे के बॉर्डर का निशान है। इसे हम दूसरी तरफ छोड़ते हुए बैक साइड के कपड़े को भी इसी तरह घड़ी कर लेंगे। और फ्रंट साइड के हिस्से को इस पर रखते हुए बिछा देंगे हम। देखिए बैक साइड के कपड़े पे हमने ये फ्रंट साइड का हिस्सा इस तरह बिछा दिया है, यानी कि ये फोर फोल्ड बन चुका है और इसमें हमारे आस्तीन आएंगे। तो अब हम इस पर डायग्राम शुरू करेंगे। रेडी, हमारी रेडी कुर्ती की लेंथ है 42 इंचेस, यानी कि 40 पे 2 इंच, लेकिन हमारा यहाँ परफेक्ट उतना ही कपड़ा आ रहा है 42 इंचेस का। अगर आपको ज़्यादा लॉन्ग करना है तो आप शोल्डर पे इस तरह टेप छोड़ते हुए जॉइंट लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसे जॉइंट नहीं लगाऊंगी क्योंकि ये जो हमारा प्रिंट है, डायग्राम है, ये बहुत नीचे की तरफ चले जाएगा, इससे ये कुर्ती में लुक अच्छा नहीं आएगा। इसके लिए मैं इसमें शोल्डर में जॉइंट नहीं लगाऊंगी। जितना हमारा 42 इंचेस है हम उतना लंबाई ले लेंगे। सबसे पहले हम लंबाई लेंगे, इसमें ऊपर एक निशान पर हम टिक करेंगे और नीचे लास्ट निशान पर एक टिक करेंगे। ये हमारी लंबाई हो चुकी है। अब इसके शोल्डर है 12 इंचेस, तो हम 12 इंचेस ले रहे हैं। 12 इंचेस का हाफ होता है 6 इंचेस, तो इस तरह हम यहाँ पर 12 का हाफ 6 इंचेस ले रहे हैं। अब हम इसमें आर्मोल लेंगे, यानी कि बगल, और इसका बगल है 6.5 इंचेस, तो हम इसमें 6.5 इंचेस इसका बगल ले लेंगे। अब इसका चेस्ट का हिस्सा है 19 इंच, यानी कि 19 इंचेस, तो हम उसका हाफ करने पर 9.5 इंचेस ले लेंगे और 2 इंच मार्जिन लगाएंगे। कंबर की लंबाई लेंगे हम 13.5 इंचेस, कंबर की चौड़ाई लेंगे हम 17 इंचेस, 17 का हाफ होता है 8.5, 17 का आधा होता है 8.5 इंच, तो इस तरह हम 8.5 इंच लेंगे और 2 इंच मार्जिन लेंगे हम। अब हिप की लंबाई, यानी कि चौकों की लंबाई, चौकों की लंबाई दोबारा हम शोल्डर पर से टेप रखते हुए यहाँ पर 19 इंच ले लेंगे, और हिप की चौड़ाई है 21 इंच, 21 का आधा होता है 10.5 इंच, 21 इंचेस का हाफ 10.5 इंचेस, और यहाँ पर मार्जिन लगाएंगे हम 1 इंचेस। देखिए ऊपर मैंने 2 इंचेस लगाया है और यहाँ पर 1 इंच, क्योंकि यहाँ पर से चौक आते हैं और यहाँ पर माया आता है, जो कि हमें जब हम मोटे होते हैं तो इसकी सिलाई खोलकर पहन सकते हैं। तो इस तरह हम
अंदर के निशान से अंदर के निशान को और बाहर के निशान से बाहर के निशान को मिला देंगे। और जहाँ हमारा लास्ट वाला हिस्सा है यहाँ पर हम दामन लेंगे। दामन हमारा 24 इंच है तो हम इसका आधा करते हुए 12 इंच पर एक निशान लगाएंगे और 1 इंच हम मार्जिन लेंगे, इसे भी हम मिला लेंगे ऊपर 1 इंच के निशान से यहाँ पर नीचे 1 इंच के निशान तक। अब हम बगल में 1 इंच इस तरह क्रॉस रखेंगे और इसका जो सामने का फ्रंट हिस्सा है यहाँ पर निशान लगाएंगे और इसे राउंड बनाएंगे इस तरह। देखिए इस तरह मैंने इसे राउंड बना लिया है। अब हम इसे कट करेंगे। देखिए इस तरह हमने इस कुर्ती को कट कर लिया है। अब हम इसमें कट लगाएंगे कि हमारा कट किधर किधर आना चाहिए, ध्यान दीजिए। यहाँ पर ये कट हमारा चेस्ट की सिलाई जो हमारी शुरुआत होती है वहाँ का है और ये कट हमारा कमर का शेप बनाने का है और ये कट हमारा चौकों को रुकाने के लिए है। तो इस तरह हम 3 कट लगा लेंगे। ये हमारी कुर्ती हो चुकी है। अब हम इसके आस्तीन बताएंगे। देखिए नीचे का एक बॉर्डर और ऊपर का एक बॉर्डर है। हम इस आस्तीन को इस तरह फोल्ड कर लेंगे। इसे अच्छे से रखते हुए हम देखिए इस तरह अच्छे से बिछा लेंगे हम फोर फोल्ड करते हुए। इसे आस्तीन की लंबाई है हमारी रेडी 16.5 इंच तो हम इसमें 1.5 इंच मिलाते हुए 18 इंच लेंगे। इस तरह हम 18 इंच पर एक निशान लगाएंगे और ऊपर 1 इंच पर एक निशान लगाएंगे। अब हम बगैर टेप को उठाए हुए 3 इंच पर भी एक निशान लगाएंगे। आस्तीन की चौड़ाई लेंगे हम नीचे की तरफ 5 इंच, मार्जिन इसमें लगाएंगे 2 इंचेस तो ये 5 to 7 हो गया। आप 1 इंच भी लगा सकते हैं। अब हम कट बगल मापेंगे इस तरह। ये जो बगल हमारा है इसे हम इस तरह देखिए ये 11 इंचेस है तो हम ये जो क्रॉस करके रखे हुए हैं यानी दो लकीर जो हमने बनाई हुई है इस पर क्रॉस करते हुए 11 इंचेस ले लेंगे इस तरह। अब हम आधे हिस्से तक ऊपर की तरफ राउंड करेंगे थोड़ा सा और आधे हिस्से के बाद नीचे की तरफ। अब नीचे से मार्जिन 11 इंच तक हम इस तरह मिला लेंगे। देखिए मैं आस्तीन कट करके बता रही हूँ इस तरह। ये हमारा ऊपर का हिस्सा है। ये हमारा नीचे का हिस्सा भी कट हो चुका है। देखिए थोड़ी सी यहाँ पर हमें जॉइंट लगेंगी तो ये जो बचा हुआ कपड़ा है हम इसी में जॉइंट कट करेंगे। इसका मार्जिन हम इस आस्तीन को ऊपर की तरफ रख लेंगे 1/2 इंच मार्जिन उसका और सेम इसी तरह हम कट करेंगे। देखिए ये हमारी कली है जो कि हमें यहाँ पर लगानी है जो कपड़ा हमारा कम है और इसमें हम शेप बनाएंगे। इसे ओपन करेंगे और बीच के सेंटर से यहाँ से 1 इंच कपड़ा हम निकाल लेंगे क्योंकि ये फ्रंट हिस्से में झोल आता है इसलिए हम ये कपड़ा कट करते हैं। पीछे का कपड़ा हम बिल्कुल भी नहीं कट करेंगे। हमारे आस्तीन भी कट हो चुके हैं। अब मैं इसमें नेक कट करने का तरीका बताऊंगी।
पहले हम दोनों हिस्सों को अलग अलग कर लेंगे इस तरह। अब हम दोनों पे अलग अलग साइज डालेंगे। ये हमारा फ्रंट का हिस्सा है क्योंकि इसमें डिजाइन है सामने, और ये बैक साइड का हिस्सा है, तो इसे ख्याल रखते हुए हम गले की चौड़ाई लंबाई डालेंगे। देखिए गले की चौड़ाई हमारी 2.5 इंच आनी चाहिए, और गला पीछे का हमारा 5.5 इंच है। नीचे भी हम 2.5 इंच लेंगे और इसे इस तरह राउंड करते हुए कट कर देंगे। ये हमारा बैक साइड यानी कि पीछे का नेक हो चुका है। अब हम फ्रंट का नेक कट करेंगे। कभी भी नेक कट करने से पहले ये ख्याल रखिए कि हमारा यहाँ का कपड़ा बराबर में होना चाहिए। इसकी भी चौड़ाई सेम होगी 2.5 इंच, लेकिन फ्रंट की लंबाई ज़्यादा है, 6.5 इंच है, 6.5, और चौड़ाई 2.5 इंच है। इस तरह हम बॉक्स बना लेंगे, और बॉक्स में हम कोई भी डिज़ाइन ले सकते हैं। देखिए इस तरह मैं थोड़ा सा इसमें डिज़ाइन कर रही हूँ। ये हमारा डिज़ाइन कट हो चुका है। अब हम फ्रंट के हिस्से में थोड़ा शेप के लिए कट करेंगे, ताकि हमारा बगल में झोल ना आए। ये ज़रूरी है, अगर ये हम नहीं कट करेंगे तो हमारा बगल में एक्स्ट्रा कपड़ा आ जाएगा आर्मोल में। ये सिर्फ फ्रंट में कट करना है, बैक साइड में बिल्कुल भी नहीं कट करना है। अब हम इसकी नेक की पट्टी कट करके बताएंगे। देखिए ये जो बचा हुआ कपड़ा है, इसे फोल्ड साइड है, तो हम भी इसे फोल्ड साइड इस तरह बराबर में रख लेंगे। और जिस तरह ये है उसी तरह हम यहाँ पर गले का डिज़ाइन बना लेंगे इस तरह, और साइड से हम 1-1 इंच मार्जिंग रखते हुए नेक को कट कर लेंगे। देखिए हमारा गले की पट्टी कट हो चुकी है फ्रंट की। इसमें हमने आस्तीन रख ली है। अब हम बैक साइड की गले की पट्टी कट करेंगे। ये बचे हुए कपड़े को हम लेंगे, फोल्ड साइड को अच्छे से रख लेंगे, और इस पर हम फोल्ड साइड के हिस्से का ही कपड़ा डालेंगे। देखिए जब हम पट्टी कट करते हैं तो हमारी यहाँ की चौड़ाई भी 2.5 इंच होनी चाहिए, 2 भी आधा, और यहाँ फोल्ड कपड़ा भी हमारा बराबर होना चाहिए। इस तरह हम अंदर का कपड़ा फेंक देंगे, और बाजू की पट्टी हम 1-1 इंच की ले लेंगे इस तरह। अब हम इसके अंदर पेपर स्टिक इससे थोड़ा सा छोटा साइज का कट करके रखते हुए इस पर सिलाई लेंगे। ये हमारी सिंपल कुर्ती की कटिंग थी। तो आप इस तरह घर में इजी कट कर सकते हैं। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।